अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूरो मेडिसिन, जो कि मेडिसिन का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। न्यूरो मेडिसिन के बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ एग्जाम्स में आते होते हैं, सो हम वन बाय वन जो है इसके सारे डिटेल में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं पढ़ाती हूँ आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस। आपकी जो मेडिसिन है वो आपने मेनली जो पढ़नी है वो डिवेरसन से पढ़नी है। डिवेरसन लुक्स लाइक अ ह्यूज, लेकिन ना डिवेरसन के अंदर जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं। उसको अगर आप नोट्स बना लें तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें हर पॉइंट लिखा हुआ है और उसमें ऑथेंटिक एमसीक्यूज के आंसर जो है वो डिवेरसन में मिल जाते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस। सबसे पहले जो आपकी बुक में दी हुई है वो आपकी न्यूरो इमेजिंग दी हुई है। न्यूरो इमेजिंग में क्या चीज़ें आती हैं, इसमें एक्सरे आता है, ठीक है। एक्सरे हम करेंगे तो हम देखेंगे कि कहीं पे कोई ट्रॉमा तो नहीं है, कोई बोन फ्रैक्चर तो नहीं है। बोन फ्रैक्चर होने से जो है वो नर्व्स कंप्रेस हो सकती हैं, तो एक्सरे भी हम बोन्स की डिफॉर्मिटी या बोन्स का ब्रेक जो है हम देख लेंगे। फिर हमने क्या करना है, सीटी स्कैन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वैस्कुलर डिजीजेज। जितने भी वैस्कुलर डिजीजेज हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? जैसे कि अगर एक पेशेंट आया है स्ट्रोक के साथ, तो स्ट्रोक जो है मेनली क्या है, इसमें दो होते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक होता है और इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। तो दोनों को डायग्नोस करने के लिए सीटी स्कैन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वहाँ पे जो है हमारा सीटी स्कैन काम आएगा। फिर है एमआरआई। जहाँ पे सीटी स्कैन में काम नहीं कर रहा वहाँ पर एमआरआई करेगा। मीन्स कुछ ऐसी डायग्नोसिस हैं जो कि सीटी स्कैन पर नहीं हम बना सकते, वो एमआरआई बनती हैं। जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए जो है, या स्पाइन की एबनॉर्मलिटीज को देखने के लिए एमआरआई बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है मायलोग्राफी। मायलोग्राफी में मेनली क्या यूज़ होती है, इसमें एक कंट्रास्ट हम इंजेक्ट करेंगे और हमने सीटी स्कैन करना है। मेन सीटी स्कैन भी एक नेक्स्ट वो है जिसमें कंट्रास्ट डालेंगे तो उसकी जो हम पार्ट देखना चाह रहे हैं न्यूरॉन्स का, नर्व्स का, उसकी डिटेलिंग जो है वो मायलोग्राफी पे आ जाएगी। फिर है डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी। डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो हम आर्टरीज को देखने के लिए करेंगे। सिक्स पे जो है वो रेडियो आइसोटोप जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते, बट जो है वो है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। ये रिसर्च प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो स्पेक्ट है जो कि है सिंगल पॉजिट्रॉन इमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसको हम यूज़ करते होते हैं डिफरेंट डिजीज़ के लिए, जैसे कि डेमेंशिया हो गया पेशेंट को या अदर जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज है उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर एक आइसोटोप, रेडियो आइसोटोप यूज़ कर रहे होते हैं। सो ये जो है न्यूरो इमेजिंग हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेस्टिंग। न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेस्टिंग में क्या आता है कि सपोज के लिए नर्व का मसला है या मसल का मसला है, किसी की मसल की वेस्टिंग है या किसी मसल की एट्रोफी हो गई है, तो वो क्यों हुई है उसको देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है EEG, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम। इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम में क्या करना होता है, इलेक्ट्रिकल करंट को चेक करना होता है। इसको हम चेक करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट को किसके अंदर, ब्रेन के अंदर। सो जो पेशेंट होते हैं मेनली एपिलेप्सी वाले, सीजर्स वाले, उनके हम क्या करते हैं कि EEG करके देखते हैं कि इसमें EEG में हमने वेव की फ्रीक्वेंसी को देखना होता है कि वो लो है या हाई है। लो जो होते हैं वो स्लीप के दौरान, और यंग जो होते हैं हमें लो होती है, लेकिन बूढ़ों में जो होती है वो हाई फ्रिक्वेंसी की EEG होती है। सो EEG से हम डायग्नोस कर लेते होते हैं कि किसी को सीजर्स हो रहे हैं ब्रेन में, किस जगह से जो है वो लोकेट हो रही हैं, जनरलाइज्ड है, फोकल है, वो सब हमने EEG पे बताना होता है। उसके बाद है नर्व कंडक्शन स्टडी। नर्व कंडक्शन स्टडी में हमने क्या करना होता है कि इसमें मेनली जो है नर्व होती है, नर्व के अंदर एक्शन पोटेंशियल को चेक करना होता है। सपोज की सेल बॉडी है, ये एक्सोन है और यहाँ पे डेंड्राइट्स हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो एक्शन पोटेंशियल जा रहा होता है उसको हमने स्टडी करना होता है, उसकी मेनली वेलोसिटी को स्टडी करना होता है। नॉर्मल जो वेलोसिटी होती है वो होती है 40-50 मीटर पर सेकेंड। सो अगर लो होगी तो हम कहेंगे कि इसमें नर्व्स की डीमायलिनेशन की वजह से जो स्पीड है वो कम होगी। सो जितने भी डीमायलिनेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं वो हम इसमें देख लेते होते हैं। नर्व कंडक्शन स्टडी के साथ हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी देखते हैं, EM, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो होती है ये भी एक स्टडी होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल करंट चेक करते होते हैं मसल्स के अंदर। ये है, हमने नर्व कंडीशन स्टडी चेक की है, नर्व्स की स्पीड चेक की है, लेकिन मसल्स को जो है
अगर मसल जो है रेस्टिंग में है, सपोज करिए एक जो पेशेंट है वो सोया हुआ है, अगर सोया हुआ है तो उसके मसल्स रेस्टिंग में होंगे, इट मीन्स उस पर कोई इलेक्ट्रिकल करंट नहीं होगा। लेकिन अगर एक पेशेंट जिसकी नर्व कंडीशन, जो नर्व है कंडीशन सही नहीं हो रही, तो उसमें क्या होगा कि उसमें एबनॉर्मल बैलेंस होगा। एबनॉर्मल बैलेंस की वजह से फैसिकुलेशंस आएंगे। सो इलेक्ट्रोमायोग्राफी और नर्व कंडीशन स्टडी को एक साथ करते होते हैं ताकि हम मसल्स की मायोपैथी जो है वो देख लें। जैसे कि डुशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वगैरह के लिए जो है वो हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी करा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन से अगर टेस्ट, हमने कर ली इमेजिंग कर ली, न्यूरोफिजियोलॉजी का टेस्टिंग भी कर ली। सो रूटीन ब्लड टेस्ट भी करवाएंगे। रूटीन ब्लड टेस्ट में जो है वो ब्लड काउंट आ जाएगा, ESR आ जाएगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स आ जाएंगी। उसके अलावा HIV की स्क्रीनिंग करवा लेंगे, क्योंकि HIV जो है वो नर्व्स को, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता होता है। फिर हमने इम्यूनोलॉजिकल स्टडीज़ जिसमें करवाएंगे, जो कि ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं बॉडी के अंदर, जिसमें एंटीबॉडीज बनती हैं बॉडी में, वो उनको देखने के लिए हम इम्यूनोलॉजिकल स्टडीज़ करवा सकते हैं। जेनेटिक स्टडी करवा सकते हैं, जैसे हंटिंगटन्स डिजीज होती है उसकी DNA एनालिसिस करने के लिए हम जेनेटिक स्टडी भी करवा सकते हैं। लंबा पंक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो है ना वो YouTube भी आता होता है, लंबा पंक्चर क्या होता है, इसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और कहाँ पे हमने करना होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। इसके बाद है बायोप्सी। जब आपने सारे टेस्ट करवा लिए हैं लेकिन अभी तक आपसे डायग्नोज नहीं हो रही वो डिजेनेटिव डिसऑर्डर या मसल्स की एट्रोफी, तो आपने क्या करना है कि बायोप्सी करवा लेनी है। बायोप्सी जो होती है वो आप नर्व की भी करवा सकते हैं और आप मसल की भी करवा सकते हैं। नर्व करवानी है, सपोज करें बायोप्सी के लिए आप कौन सी नर्व लेंगे, जो मोर डिस्टल नर्व होगी वो आपने लेनी है। मेनली आपने सूरल या रेडियल नर्व लेनी होती है, छोटा सा पार्ट है कि उसको आपने स्टडी करना होता है कि आया कि नर्व का एबनॉर्मलिटी है या नहीं। मसल्स जो है वो आप क्वाड्रिसेप्स का मसल ले सकते हैं, उसको लेके आप उसकी बायोप्सी कर सकते हैं और डायग्नोस कर सकते हैं कोई अननोन, अगर बाकी जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन से आप प्रूव नहीं कर पा रहे। ओके, जो ये इन्वेस्टिगेशन है ये कॉमन इन्वेस्टिगेशन है कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज को करने के लिए, लेकिन हम जब वन बाय वन पढ़ेंगे तो हर डिजीज की स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन हम साथ करेंगे।